अरे सुरेश भैया, जतिन बाबू ने अपनी बेटी के मंडप के लिए कुछ एडवांस दिया है क्या? कल तो आए थे वो, पर आप नहीं थे तो उन्होंने कहा कि वो फिर से आएंगे। हाँ अच्छा, वो चंदू के माँ के काम के लिए जो जो जाना था मैंने वो सब गाड़ी में लोड करके रखा है। अब नहीं जाएगी, उसे अनलोड कर दो। क्या अब ऐसा क्या हो गया? उन्होंने कमरा भाड़े पर ले लिया है। अरे फिर से एक काम हाथ से निकल गया। अब क्या करूं? अभी अभी तो तुमने पुराने बांस के सड़ जाने पर कितने सारे नए बांस खरीदे थे। अरे प्रकाश, कल तुम कहाँ पर थे भाई? हाँ हाँ, आइए आइए बैठिए। सुरेश भैया, रशीद वाला खाता दीजिए। नहीं नहीं नहीं, अब वो नहीं चाहिए। मैं यहाँ तो ये बताने आया था कि मैं मंडप नहीं बनवाऊंगा, मकान ही किराए पर ले रहा हूँ। हाँ हाँ, प्रकाश मंडप हाउस। हाँ ये क्या कह रहे हो जगन्नाथ बाबू? मैंने तो नहीं नहीं, अब कैंसिल कैसे कर सकते हैं आप बताइए। हेलो हेलो, ये क्या काट दिया? क्या कट गया रे प्रकाश? आपके प्रकाश के किस्मत से सारे सुख कटते जा रहे हैं। मंडप के सारे ऑर्डर कैंसिल हो गए। क्यों? सब मकान किराए पर लेने लगे हैं। ये तो बहुत ही गलत बात है। सुन प्रकाश, तू कल ही थाने के बड़े बाबू के पास जा। देखिए प्रकाश बाबू, जो कुछ एक मकान प्रोग्राम के लिए भाड़े पर दिए जाते हैं उन लोगों ने उसके लिए मुझसे परमिशन ले रखी है। और आपने दे भी दी। क्या कह रहे हैं आप? अगर कोई अपना मकान किराए पर देना चाहे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? मतलब मकान किराए पर देना कानून के खिलाफ नहीं है, यही ना? हाँ बिल्कुल, इसी वजह से हमारे हाथ पैर बंधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे बेटा। नहीं प्रकाश सुन, ठीक है एक महीने बाद की तू अपनी और मेरी हरिद्वार जाने की टिकट बनवा। हरिद्वार? लेकिन क्यों? बहुत दिन हो गए हैं गुरुदेव के दर्शन नहीं किए, और इस मकान को बेचने के लिए ग्राहक भी ढूंढ लेना तू, क्योंकि मैं नए छत का इंतजाम करूंगी। जितने बांस है वो सब आज ही घर के अंदर ले आ जाना, ठीक है? बांस घर के अंदर? हाँ रे हाँ। अरे ये तो बहुत ही अशुभ संकेत है बेटी, तुम पर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है, बहुत बड़ी विपत्ति। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो उसने मुझसे ऐसा बदला लिया? बांस से ही इस गंदगी को हटाना होगा, ये मेरे गुरुदेव भोलेनाथ बाबा की आज्ञा है बेटा। मैंने सुना है कि किसी ने तुम्हारे घर पर मछली के कांटे, मांस ये सब फेंक दिया था। और किसने? ये सब बुरी शक्तियों का काम है। लगता है बहुत जल्द इस घर में कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, ये उसी का पूर्व अनुमान है बेटा। ये सब फालतू की बकवास है, ऐसा कभी होता है क्या? अरे मैंने तो पहले ही सोचा था कि किसी कुत्ते बिल्ली का नाम है। उसके बाद पंडित जी जब पूजा करने आए थे तब उन्होंने कहा कि इस अमावस्या को इस तरह की घटना का घटित होना अच्छा संकेत नहीं है। आपके गुरुदेव कहाँ मिलेंगे बुआ? अरे उनसे मिलना क्या इतना आसान है, आज वो हिमालय पर होते हैं तो कल समुद्र में। बुआ, ओ बुआ, आप कुछ करिए बुआ, बुआ कोई उपाय निकालिए बुआ। देखती हूँ वो कहाँ है, बंगाल में या चंबल में, अटलांटिक या पैसिफिक में, देखती हूँ। जय गुरुदेव, जय बाबा की जय। क्या हुआ, और कुछ गिरा था वहाँ बताओ? नहीं बुआ, अब वहाँ कुछ भी नहीं है, मैंने आपके गुरुदेव के कहने के अनुसार वहाँ बांस लगा दिया था। और तो फिर अब गुरुदेव की दक्षिणा और इस मंत्र वाले बांस की कीमत भी जरा दे देना, समझी तुम? हाँ हाँ, आप रुकिए, मैं अभी लाती हूँ।
सुनती हो? अरे सुनो कमला, जब मैं सुबह उठा तो देखा कि मेरे घर के आंगन में कितना सारा कचरा पड़ा था। अब मत पूछिए काका, कल मैंने सब झाड़ू से साफ किया था, आज फिर से वही हाल हो गया है। ये लीजिए बुआ, 3,000 रुपए आपके बास के, और ये आपके गुरुदेव की दक्षिणा 5,000 रुपए है। अरे ओ रामू की बहू, बांस से बुरी शक्तियों का प्रभाव कम हुआ क्या? हाँ काका, काम जैसा काम हुआ है, तब से कोई समस्या नहीं है। अरे ओ कमला, कमला तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं अकेला ही रहता हूँ, इन बुरी शक्ति वालों से मुझे बहुत डर लगता है, तुम मुझे भी एक बांस दे दो ना। कीमत चुकानी पड़ेगी आपको। कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। तो ठीक है, मैं जाती हूँ, फिर से एक बार गुरुदेव के ध्यान में बैठती हूँ। बुआ, घर बेचकर पैसे मिल गए हैं और अगले 10 तारीख को हमारी हरिद्वार की ट्रेन है। ठीक है ठीक है, तेरा सारा बांस निकल गया है? हाँ, बस एक ही बचा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बता, जो बांस बचा हुआ है वो बड़ा तो है ना बेटा? हाँ क्यों, बड़े बांस का ही तो ये काम है बेटा, इसलिए। अरे हटाओ हटाओ, अगर ठीक से नहीं हटाया तो फिर मैं पकड़ा जाऊंगा। ये सब उस पानी की टंकी के अंदर डाल देना। सुनिए, मेरे पास आपके घर का सर्च वारंट है, सुना है आप सोने की स्मगलिंग करते हैं। आप ये क्या कह रहे हैं साहब? हमें अपना काम करने दो, चलो हटो। देखो, हमारे पास एक खबर थी, वो सच थी या फिर झूठ, ये जांचने की जरूरत थी बस। सुनो बेटा राजू, तुम्हारे ऊपर ना मुसीबत की छाया बुरी तरह से लहरा रही है। मैं तो कहती हूँ कि तुम मेरे गुरुदेव की विपत्ति को हरने वाली एक बांस अपने छत पर लगा दो और देखना, सारी मुसीबत खुद टल जाएगी। ठीक है, तो फिर बांस दे दो। पर बेटा, तुम्हारी मुसीबत जरा बड़ी है ना, इसीलिए खर्चा भी तो बड़ा होगा ना। बोलो बोलो। ये कमला देवी कौन है? मैं हूँ सर, बताइए। और यही होगा आपका भतीजा प्रकाश? हाँ सर, पर आप क्यों पूछ रहे हैं? थाने चलिए। पर सर, हम तो यहाँ टिकट लेकर ही तो बैठे हैं ट्रेन में। टिकट के लिए नहीं, आपको धोखेबाजी के आरोप में अरेस्ट किया जाता है। हाँ? नहीं हाँ, चलो 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 चलो,